दास बाबा दर्शन सिंह मुखी दशमेश तरना दल मुख हैडक्वाटर गुरद्वारा अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी चबार रोड अमृतसर। आज असी गेट घीमा थाने विखे आ के अपनी जथेबंदी इलाका निवासी चबार रोड के वासियों के नाल थाना गेट घीमा विखे रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजहरा कर रहे हैं, क्योंकि परसों की गल है कि बिल्ला पटवारी वासी नवाकोट अते उस दे नाल कुछ होर बंदे साडे गुरद्वारा साहब दे विच आए ते आ के उन्होंने ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे बेदबीकरण की कोशिश की आते वो बंदे सारे बिल्ला पटवारी अते उहदे साथी जिहड़े ने यह सारे जोड़ियां पा के जुत्तियां पा के अते नंगे सिर गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर आए अते इन्हां ने आ के सानू ये अज पता लगा है कि वो जरा महकमा आदा दसन दे पुलिस के दसन मुताबक कि वो जरा वा वक्फ बोर्ड वाले सी ते पिछे भी तकरीबन दो तीन महीने तो ये सारे इलाके दे विच इन्होंने वक्फ बोर्ड ने ते बिल्ले पटवारी ने हफड़ा दफड़ी मचाई हुई है ते जिहड़े लोग 60-60 साल के बैठे हुए ने उन्होंने नजायज तौर पर तंग किया जा रहा, उन्होंने को रिश्वत लिया जा रही, उन्होंने को पैसे लिते जा रहे ते असी पंजाब सरकार को खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब के कोलों उप मुख्यमंत्री साढ़े इलाके के MLA श्री ओम प्रकाश जी सोनी साहब कोलों सरदार इंदरबीर सिंह जी बुलारिया MLA साहब कोलों अते बाकी सारे प्रशासन CP साहब कोलों वो जिहड़े जदों आए ने उन्होंने आके ते उन्होंने आके ते उन्होंने ये गुरद्वारा साहब के अंदर दाखिल होए ने पर नंगे सिर आए ने जोड़े सिर आए पर साढ़े गुरद्वारा साहब के विच उत्ते कैमरे ना होण करके जिहड़ी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी पर असी कुछ जिहड़ी रिकॉर्डिंग जिहड़ी हैगी आ वो असी कुछ अपने मोबाइल के विच वो कीती वी आ ते असी प्रशासन कोलों बेनती करते हाँ बिल्ला पटवारी अते उहदे साथियां ते पंजाब वक्फ बोर्ड के उत्ते परचा दर्ज किया जाए ते उन्हां दे उत्ते सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हां नूं जेलां च डक्या जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। चबाल रोड ते चबाल अमृतसर रोड ते ना खजाने वाले तो थोड़ा दूर उत्थे गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह जी दे हैगे ना दो गुरद्वारा मो सामने सारे दे दोनों पासे उत्थे वक्फ बोर्ड दे अज अफसर आए सी उन्हां दा कोई कोर्ट मैटर सी तो उहदे विच शायद पैमाइश करन आए सी जां उह कहिंदे सी असीं GPS दे थ्रू जिहड़ी जगह सी उहदी आइडेंटिफाई करन आए सी पर उस दौरान ही जिहड़े अफसर सी
शायद उत्थे बाउंड्री नहीं सी कि पक्की जगह नहीं सी गुरुद्वारा साहब तो इस दे विच विद शूज़ अंदरले पासे चले गए जिते कि उन्हों का हैगा सी कि गुरुद्वारा साहब की हदूद ही आती है पर उत्थे गुरुद्वारा साहब का कोई बाउंड्री या कुछ जिते असी चरण अपने धो के जाने उधर की कुछ भी नहीं किसी पर उन्हों का गुरुद्वारा साहब वाले का मानना सी कि इत्थे गुरुद्वारा साहब की ही जगह हैगी है तो उन्हों दी भावनावां आहत हुई ने कि तुसीं गुरु घर की मर्यादा नूं भंग करके नंगे सिर बूट समेत तुसीं अंदर आ गए। फिर एस एच ओ साहब ने अज्ज दोवां पार्टियों नूं बुला के ते पैसीफाई करन दी कीती है काफ़ी तो हुण अज्ज रात दे 10 बजे दे करीब आए ने तो दोवां पार्टियों नूं काफ़ी समझाया गया तो वक्फ बोर्ड वालों भी फिर लिख के दिता गया अज्ज लिखती उन्होंने अपने लैटर रैड से उन्होंने ईओ साहब महमूद अख्तर साहब ने लिख दिता कि जी गुरद्वारा साहब की जगह से जी 880 खसरा नंबर से 949 के उत्तर गुरद्वारा अपने वक्फ बोर्ड का कोई दखल नहीं रहेगा। वो उस तरह भी मेरे नाल गलबात दौरान भी मनिया कि जी अपनी दूजे धर्म की या कोई भी जगह की उन्होंने पूरा वो मान इज्जत करते हैं कि असी कभी भी साड़ी मंशा नहीं रही कि असी गुरद्वारा साहब का किसी तरीके भी कोई कब्जा लीए पर बाबा जी या उन्होंने आई संगतों की तसली ली तो उन्होंने वो कहते सूँ लिखती चाहिए कि वक्फ बोर्ड लिख के दे कि इस जगह के नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो उन्होंने अज लिख दिता तो बाबा जी ने उन्होंने लिखित जो उन्होंने लैटर पेड के हवाले कर दी है जी तो बाकी जो धरना लगा सी पीसफुली ओवर हो गया। धरने के दौरान एक गल भी ठीक रही कि धरना उन्होंने फुल नहीं कुछ पब्लिक का भी ख्याल रखिया कि पब्लिक लंघ के जाती भी रही है बट थाने के गेट तक धरना लगा सी इस रोज सभी। Thank you.